है कब? समाजवादी पार्टी ने सब ठेके ले रखे हैं। श्रीलंका में है समाजवादी पार्टी? वोट तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिला विपक्ष के तौर पर। यार सरकार तो नहीं बनी दोस्त, हैं? जो जीता वो सिकंदर, तो सिकंदर तो हम हुए नहीं, बंदर हो गए। देखो कभी रामपुर कोर्ट में, कभी मुरादाबाद में, कभी बम्बई में, कभी लखनऊ में, कभी फिरोजाबाद में, मदारी के बंदर हो गए हैं। पापा यार इतनी कमजोर भी नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं, यहाँ से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान है, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है, लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। तो 2024 में कोई असर नहीं पड़ेगा सर इसका? हम अगर ऐसे पढ़ते तो हर गली का नेता पार्टी खत्म कर देता। सर बुंदेलखंड का एक्सप्रेस को लेके अखिलेश यादव ने उसका निरीक्षण किया है और भाजपा पर निशाना साधा है, क्या इस तरह का ये केवल? इस बार मैंने ये सोचा है कि अखिलेश जी को एक 10 तीर कमान दूंगा, जो निशाना साधे खड़े हो जाएंगे। लेकर कैसा रहा? नहीं, वो हमारे चाचा हैं और चाचा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूं तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं और उनको आगे बढ़ाएं। ओम प्रकाश राजभर लगातार आप पर सवाल उठाते हैं कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। कांवड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है, और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता, जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूं, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे नेताजी से लेकर के अभी तक, कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है, उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है, और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। हो सकता है कोई डर हो, बीजेपी की तरफ से कोई दबाव हो। आपने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, बंगाल में आप देख रहे हैं, दिल्ली में आप देख रहे हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उन्हें भी ईडी बुला लेगा? जब कांग्रेस की लीडर को ईडी बुला रहा है तो ये संदेश बीजेपी दे रही है कि अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको भी बुला लिया जाएगा। हो सकता है इसीलिए उत्तर प्रदेश का गठबंधन तोड़ा गया हो। तो शिवपाल को भी क्यों आपने अलग कर दिया, कहा कि वो उनको आजादी है कि वो स्वतंत्र रहेंगे? आचार रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ, और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहे, जैसा गठबंधन करना चाहे। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं, उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, वैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। इस समय में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। जान फूंकने के लिए आपका यह दौरा है सर पूर्वांचल? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, ना वो निराश होता है, और हमारा उनसे ज़्यादा सिद्धांत मजबूत है। वो जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही, भारतीय जनता पार्टी को कोई सफाया करेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। 2024 में कैसी तैयारी है सर? 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, और मैं जनता से कहूँगा
कि जनता से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपना वोट खराब न करें किसी और को देकर के। दरकिनार हो रहे हैं आपसे आपके? अरे हमारा कोई दरकिनार नहीं हो रहा, अगर तुम्हें आना तुम भी आ जाओ पार्टी।